हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DSSSB की जो न्यू वैकेंसीज़ आई हैं 2024 के लिए। फ्रेंड्स, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, वैकेंसी डिटेल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। फॉर्म्स जो हैं वो 8 फेब से भरे जाएंगे और 8 मार्च जो है वो लास्ट डेट होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं TGT इंग्लिश के बारे में। TGT इंग्लिश मेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो 413 वैकेंसी हैं फ्रेंड्स। TGT इंग्लिश फीमेल की वैकेंसीज़ हैं 379। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं और एक सीट जो है अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आगे बात करते हैं इनकी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि मेन पॉइंट है इसका कि क्या DSSB जो TGT कंडक्ट करते हैं, क्या उसमें इंटरव्यू होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो हमारे लिए ये बेस्ट मौका है, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो केवल रिटन टेस्ट को क्लियर करके आप यहां पर जॉब ले सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका मेन पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये सभी को पता है कि DSSSB में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि पैटर्न कैसा रहेगा। पैटर्न यहां पर रहेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है यहां पर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा DSSSB का, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, यहाँ पर ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के। 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के जो 200 क्वेश्चन होंगे वो 200 मार्क्स के ही होंगे। मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चंस को हैं जो सेक्शंस में बांटा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि जो पार्ट फर्स्ट हमारा होगा वो 100 मार्क्स का होगा, तो उसको किस तरीके से बांटा जाएगा, जो कि एक जनरल पार्ट है, सभी के लिए सेम रहता है। तो ये फर्स्ट रहेगा लैंग्वेज का पार्ट, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस के रहेंगे। GK GS के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे पेपर फर्स्ट का पैटर्न यही रहेगा, 20-20 मार्क्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी रखा गया है कि जो पेपर फर्स्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आएंगे और पेपर सेकंड में भी 40% मार्क्स जिनके होंगे मिनिमम, उनका ही पेपर जो है वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम 40% मार्क्स हमको यहाँ पर लेकर आने हैं 100 में से, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में भी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पार्ट टू। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश के रहेंगे, लिटरेचर से रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चंस रहेंगे और प्लस पैडागोजी, जो कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पैडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पैडागोजी से पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चंस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि लिटरेचर और ग्रामर से भी रहेंगे। सिलेबस तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ओनली यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं कि किस पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पैटर्न यही रहेगा, पेपर फर्स्ट में ये 5 पार्ट्स होंगे और पेपर सेकेंड में 2 पार्ट्स होंगे, एक मेन सब्जेक्ट का और दूसरा पैडागोजी का, तो जो कि दोनों को मिला के 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरीके से 200 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट होंगे और जिसमें से हमें 40% मिनिमम लाना ज़रूरी होता है सब्जेक्ट में भी और पेपर फर्स्ट में भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका जो 40% होता है, 80 मार्क्स मिनिमम यहाँ पर ज़रूरी लाने हैं हमारे लिए, ये कंडीशन है, तभी आपका जो पेपर है वो आगे चेक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक पार्ट में अगर आपके 40% कंप्लीट नहीं होते हैं तो पेपर आगे चेक नहीं होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल जो होल सिलेबस है, लिटरेचर से क्या क्या पूछा जाएगा, ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, वो कैप किस तरीके से आते हैं। यहाँ पर हमने ओनली डिस्कस किया है पैटर्न के बारे में और सीट्स के बारे में,
कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर TGT, जो मेल के लिए वैकेंसीज़ हैं वो इतनी हैं और फीमेल के लिए इतनी हैं। इंटरव्यू और नेगेटिव मार्किंग, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे DSSSB की जो सिलेबस है उसको डिटेल में, कि कहाँ से क्या कितना पूछा जाएगा। और ये देखिए, नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं आया है। बाकी चीज़ें जो है वो जब कम्प्लीटली नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली उसमें पूछी गई हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज लिमिट को लेकर, तो जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी यहाँ पर नहीं बोल सकते कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितनी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, रिलैक्सेशन मिला है, जो 10 ईयर्स का फीमेल रिलैक्सेशन मिलता है वो मिला है या नहीं मिला है। जब तक कि पूरा नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता और उसमें क्लियरली लिखा हुआ नहीं आ जाता कि 10 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक के लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ बाद में क्लियर करेंगे, जब तक कि पूरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक के लिए हम पैटर्न डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस के जो क्राइटेरिया डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर जैसे ही हो जाती है तब हम उसको कन्फर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज की जो वीडियो थी ये टोटल इसके बारे में थी, DSSSB के पैटर्न के बारे में थी, पेपर का कैसा पैटर्न रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।